अपनी चिड़ियों की आवाज़ सुनी, कितनी उन सुकून वाली आवाज़ आ रही थी यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोमैडियन सुमित। फिर एक नई दिन, फिर एक नया जर्नी, और आज हम लोग उत्तराखंड अभी, और अभी हम लोग यहाँ से ऋषिकेश जाने वाले हैं। मतलब अभी हम लोग हैं मुखूमठ में, एक प्लेस है उखीमठ, वो थोड़ी सी फेमस है कंपेरिजन टू मुखूमठ, ठीक है। तो हम लोग अभी मुखूमठ में हैं और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं ऋषिकेश, ठीक है। ऋषिकेश जाने वाले हम लोग राफ्टिंग करने के लिए। कुछ हमारे साथ स्ट्रेंजर भैया लोग मिल गए हैं जो कि अपने वाले फीलिंग दे दिए। ये भैया जा रहे हैं, हिमांशु भैया, और आपको मैं एक और भैया से मिलाता हूँ। वेट, और ये रहे विशाल भैया। और हम लोग चलते हैं इधर से ऋषिकेश। हम लोग मतलब जब आपने लास्ट वीडियो में देखा, जब हम लोग चौपता से आए थे, उस वक्त क्या हुआ कि मतलब चढ़ने को हम लोग चढ़ गए, और उतरते वक्त हमें मतलब शाम हो गई थी और हमें कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, बट एक गाड़ी मिल रही थी। तो बट उसमें मतलब क्या हुआ ना कि वो बोल रहे थे कि आपको पूरी बुकिंग करने के चलने पड़ेगी, उसके बावजूद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये दो भैया थे वहाँ पर वेट कर रहे थे, ये लोग मतलब हमारे साथ ही ऋषिकेश जाने वाले थे, ठीक है, बट हमें ये बात का पता नहीं था। फिर ये भैया लोग भी आए, फिर इन्होंने भी बोला कि हाँ हम लोग भी मुखूमठ चलेंगे। मुखूमठ उखीमठ का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब हम लोग जाने वाले थे उखीमठ, उखीमठ से हमें गाड़ी पकड़ने वाली थी, बट क्या हुआ रास्ते में हम लोग इस कार वाले भैया से बात कर लिया, और ये भैया ने बोला चलो मैं आपको मुखूमठ ही छोड़ देता हूँ, अब मैं अपने घर की तरफ होटल दिला दूंगा, और फिर हम लोग सब साथ में एक इसी कार से चलेंगे। और ये आप व्यू देख सकते हो, व्यू तो ऑसम है यार, हाँ मुझे मालूम है। और हिमांशु भैया, विशाल भैया, अमन भैया, गौरव, अब सब लोग चलते हैं शेयर ऋषिकेश, ठीक है। अब वीडियो में कंटिन्यू रहना। रास्ते में चलते चलते अब हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, तो फिर हम लोग ने ड्राइवर वाले ने मतलब वो गाड़ी उधर रोक दी। उसके बाद हम लोग एकदम ठीक सामने ये मतलब रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग से मतलब बगल में एक स्टॉपेज पड़ता है, ठीक है ना, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम होटल, मैं देख लेता हूँ। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाने को रुक लिया, ठीक है, आप देखो इधर व्यू। और ये पहाड़ काट के बनी हुई है, तो आप इधर भी देख सकते हो, पहाड़ी है ये, सिर्फ पहाड़। और गौरव ने मतलब फिर हर बार की तरह फिर उल्टी किया अभी।
थोड़ी देर पहले। मैं तो कुछ खाने वाला हूँ नहीं, जो मुझे वोमिटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। चल भैया आप मंसू ये सब खाएंगे और मम्मी भी हो सके तो खा लेंगे। मैं तो खाने वाला हूँ नहीं, और गौरव भी खाएगा नहीं क्योंकि गौरव की उल्टी हो गई थी। ये बंदा पूरा रास्ता उल्टी करते आता है, मतलब पता नहीं कब से अब सिस्टम खत्म होगा। मैंने इसे बोला था वोमिटिंग की दवा ले लें। अच्छा अब तो मिल जाएगा भाई, अब तो मिल जाएगा। अब तो थोड़ी देर के लिए बात है, 50-60 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस बाकी है ऋषिकेश से। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकलते हैं। चुपचाप मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वोमिटिंग नहीं करनी। मैंने सब स्विच को ऑफ किया था, बस हुआ ही नहीं। तो अब हम लोग ऐसे कि आपको जगह का नाम क्या था? नाम तपोवन। हाँ तपोवन। हाँ जैसे कि हम लोग तपोवन में उतरे थे और उसके बाद हम लोग फिर अपने मतलब हम लोगों ने इधर होटल लिया। ठीक है, होटल तो नहीं है, डॉर्मेट्री टाइप की है। ठीक है, परेड के हिसाब से हम लोग टोटल 9 मेंबर हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पर विशेष विशाल भैया की कुछ फ्रेंड लोग आ गए थे और फिर मतलब टोटल वो लोग भी 4 लोग थे, फिर 5 लोग हम लोग ऑलमोस्ट थे, तो 5-4-9 हो गए। तो हम लोग अभी यहाँ से राफ्टिंग के लिए निकलते हैं। टोटल 9 बनते हैं बट अभी राफ्टिंग के लिए सिर्फ हम लोग 5 ही निकलेंगे। वो जो 4 आए थे अलग से, वो लोग अभी थके हुए हैं इसलिए वो लोग नहीं जाएंगे, इसलिए सिर्फ हम 5 अभी निकलते हैं। और मैंने आपको मतलब अभी तक बेडरूम नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। ठीक है, तब तक अभी तक हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। और गाड़ी से उतरा जैसे ही उस मतलब मेरी फ़ोन ऑफ हो गई थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना।